इसके बाद
आफ्ताब के बाद निकलते हैं मुज़दलिफा पहुंचे। सुबह तुलू आफ्ताब से कुछ पहले पहले निकलते और मीना आते हैं, और मीना आने के बाद शैतान को कंकर मारते हैं, फिर इसी तरह कुर्बानी करते हैं और फिर इसी तरह अलग करके हालात होते हैं। मोमिन के लिए मुशाफा को बताया गया कि तू उस मकाम पर नहीं पहुंच सके, हज का अहम रुकन तो अदा न कर सके, लेकिन अल्लाह की दाद बड़ी करीम है, नेकों के साथ जो मुशाफा अख्तियार की जाती है उस मुशाफा के लिए अल्लाह ताला बहुत कुछ आता फरमाते हैं। ऐ दुनिया के रहने वाले वो इंसान जो अभी तक हज के लिए नहीं पहुंचे, इन हुज्जात किराम का इत्तिबा कर लो, इनकी मुशाफा अख्तियार कर लो, इनकी शक्ल अख्तियार कर लो, इसलिए आज कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहक है। जब कुर्बानी करने का इरादा करे तो जिलहिज्जा के चांद को देखने के बाद नामून बार वगैरह न पड़े। इस तरह इहराम बांधने वाले के लिए चीजें ममनू है, हमारे लिए ममनू तो नहीं, मुस्तहक ही है कि न पड़े, लेकिन मुशाबहत है। और मुशाबहत का फायदा ये लिखा है कि अल्लाह ताला जिस तरह हुज्जात किराम से राजी होता है, अपनी रजामंदी का परवाना देता है, उसकी मगफिरत के फैसले फरमाता है, सही नीयत के साथ अगर हुज्जात किराम की मुशाबहत अख्तियार की जाए तो अल्लाह की रज़ा से बाइज नहीं, अब ताला शानु हमें भी अपनी रजामंदी का परवाना नसीब फरमाए, हमारी भी मगफिरत फरमाए, हमें भी अपना कुर्ब हासिल फरमाए। इस कुर्बानी की एक सूरत है और एक हकीकत है। सूरत क्या है? सूरत यह है कि आदमी जानवर को जमीन पर लिटाता है और इसके बाद अल्लाह का नाम लेकर उसको दबा करता है, यह कुर्बानी की सूरत है। एक कुर्बानी की हकीकत और रूह है, वो हकीकत और रूह क्या है? वो हकीकत और रूह ये है, नफ्स, नफ्स को कुर्बान करना, नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करना। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत जमात इसी तालीम के लिए अपनी अपनी उम्मतों के पास भेजी गई, और खुसूसन सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके लिए बड़ी आजमाइश हुई, और आजमाइश इसलिए हुई कि नफ्स को इताअत करें, नफ्स को कुर्बान करें। कुर्बानी के रूप, कुर्बानी का मकसद खाली ये नहीं है कि आदमी बेहतर से बेहतर बकरा खरीदे और अल्लाह के नाम पर दबा करे, खाली मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद ये है आदमी इस अमल के जरिए से जान का नजराना पेश करता है, आदमी इस अमल के जरिए से अपनी तबीयत ऐसी बनाए, अपना मिजाज ऐसा बनाए कि हक तआला शानू का हुक्म हुआ माल खर्च करो तो माल खर्च करने में पीछे ना आए, थोड़ा खर्च करो तो उसके लिए तैयार, ज्यादा खर्च करो तो उसके लिए तैयार, सारा का सारा माल खर्च करो उसके लिए तैयार, खुशहाली के जमाने में खर्च करो उसके लिए तैयार, तंदरुस्ती में खर्च करो उसके लिए तैयार, सेहत के जमाने में खर्च करो उसके लिए तैयार, बीमारी के जमाने में खर्च करो उसके लिए तैयार। अल्लाह का हुक्म मुझे हुआ, अब ये गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा और तुम्हारा पालनहार ताला शान हुए उसका हुक्म है, जब उसके हुक्म को पूरा करेंगे वो गाय नहीं करेगा, वो बर्बाद नहीं करेगा, वो आबाद करेगा। तो इस मशक को जारी करने के लिए, इस आदत को डालने के लिए जान के बदले में जानवर के दबा का हुक्म किया, ताकि आदमी के अंदर नफ्स को इनकार करने का, नफ्स को कुर्बान करने का जज्बा है। इसलिए कुर्बानी की एक तो शक्ल है सूरत, नमाज की एक शक्ल है, लेकिन नमाज की एक रूह है। नमाज की शक्ल कयाम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है, कादा करना है, और नमाज की रूह अल्लाह से अपने दिल जमीन
नबी को अपने ध्यान को जमाना है और पूरी जमात ने अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाना है। तो शक्ल ये है और रूह क्या है कि नमाज के जमाने में इस तरह नाफरमानी से बचता है, नमाज के बाद भी नाफरमानी से बचने वाला बन जाए। रोजे की सूरत है और रोजे की एक रूह है। रोजे की सूरत ये है कि सुबह सादिक से लेकर रूह आपका खाने पीने और ख्वाहिशात को पूरा करने से रोका रहे। लेकिन रोजे की रूह क्या है, अल्लाह को मानने वाला बन जाए, मानने का जज्बा पैदा हो जाए। वो खुदा जिसने सात भर के लिए खाना पीना हला किया, उसने खाने से रोक दिया रुक गए, पीने से रोक दिया रुक गए, ख्वाहिशात को पूरा करने से रोका रुक गए। घर में सब कुछ मौजूद है, भूख लगी है, इंतहाई भूख है, प्यास लगी है, अल्लाह का हुक्म है वो रोजेदार पानी पीने के लिए तैयार है, रूह है, मिजाज बनाना है कि अल्लाह बंदा अल्लाह की मानने वाला बन जाए। सरकार की सूरत है, आज की भूखे पैसे देता है, अल्लाह के रास्ते में गरीबों की जरूरत को पूरा करता है, एक उसकी हकीकत। हकीकत क्या है? वो मार जिसकी तरफ इंसान का मैदान कलबी है, तभी तौर पर इंसान का मैदान मार की तरफ है, इंसान का झुकाव इंसान की मोहब्बत मार की तरफ है। सूरत तो ये है कि आदमी पैसा खर्च करे और ज़कात की रूह है कि मार देकर मार की मोहब्बत को मार के मैदान को कम करे। मेरे भाइयों, इसी तरह कुर्बानी की एक सूरत है और कुर्बानी की एक हकीकत है। सूरत तो यही है कि बिस्मिल्लाह या अल्लाह पर पढ़ा और जानवर जबर किया, और हकीकत क्या है? हकीकत अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना, अल्लाह का जो हुक्म जमा होगा उसको पूरा करें। यहां तक कि अल्लाह के दरबार में जान को कुर्बान करने का वक्त आया तो ये नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बड़े वालिदैन का क्या होगा, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरे माताओं का क्या होगा, मेरे दिल में जिसकी इबादत है उसका क्या होगा। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, अब कामयाबी इसी में है कि अपने आप को कुर्बान करें। मेरे भाई, अल्लाह का फजल है, बाद होने से लेकर आज तक जिनको अल्लाह ने सारी के निशान बनाया है और तौफीक दी है, हर साल वो बराबर कुर्बानी करता है। लेकिन कुर्बानी किस ख्याल से करे, किस नीयत से करे कि आज माल का तकाजा है मैंने माल को सर्व किया, जान का तकाजा है तो आपने जान के नजराने में जानवर को तबाह किया, पूरी जिंदगी में इस तरह गुजारूंगा कि नफ्स को रोकने के लिए अपराध शानू का जो भी हुक्म मुतवज्जे होगा मैं कभी उसके खिलाफ गलती नहीं करूंगा। आदमी कुर्बानी करता है, कुर्बानी के बाद जानवर के पीछे ईद करता है और जानवर तबाह करता है, लेकिन इसमें ऐसा मजबूर हो जाता है, ऐसा मजबूर हो जाता है कि नमाज छूट जाती है, तिलावत छूट जाती है, नवाफिल छूट जाते हैं। जो जरिया था अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल करने का, अल्लाह की नज़दीक हासिल करने का, अल्लाह की रहमत को पाने का, वो ही हमारे लिए सबब बन गया अल्लाह की रहमत से दूरी का। शक्ल तो हमारे सामने है, कुर्बानी की रूह हमारे सामने नहीं। आज जरूरत इस बात की है, अल्लाह के जितने बंदे अल्लाह की तौफीक से ये अमल करेंगे उनको चाहिए कि इस अमल को करने से पहले थोड़ा अपना जायजा ले लें, क्या मेरा नफ्स आज अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करने का इरादा कर रहा है, क्या मेरी ख्वाहिशात अल्लाह के रास्ते में कुचलने और रौन देने के लिए मेरा नफ्स तैयार है, क्या एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ दुनिया का तकाजा है, एक तरफ गांव
आपने पूरा माहौल दीनदारी के खिलाफ है और पूरा माहौल बेदीनी का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते हैं बता गया, जो मालूम नहीं है जो ईमान नहीं है उसे मोहब्बत के साथ बर्खास्त करके आ गया है। ईमान में मालूम है हमारे नौजवान भाई हैं ईमान नहीं माशाल्लाह आ गया है अल्लाह को जलाल है। मैं आपको कह रहा था कि हम का शानू का जो तबादला है हम का शानू का जो हुक्म है उस हुक्म को पूरा करने के लिए हमारा नफ्स कितना तैयार हो चुका है। अगर ये नफ्स तैयार हो चुका है मान लो कि कुर्बानी की सूरत हमने हासिल हुई और सूरत के साथ रोह भी हासिल हुई। मैं आपको कह रहा था अगर दीवान पानी सलाम को सलाम जलियों पर लगी है मासूम है गुलामों से पाक है फलस्तीन की तरफ चलो। चुनाचे फलस्तीन
चीन का सफर किया। मिस्र पहुंचे तो ठीक करते हुए, लेकिन पता चला कि यहाँ का बादशाह बड़ा बर्बादी है, अभी तबियत का है। जब कोई नया आदमी आता है तो देखता है जो उसके साथ उसकी बीवी है, अगर बीवी कुछ फसलों दबा करती है तो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, उसको अपना करीब करना चाहता है, उससे मुंह काटा करना चाहता है। अगर दीवाली मदरसा दौर पहुंचे हैं तो दौर को बुलाया, बुलाने के बाद फिर उसकी आदत भी है कि रिश्ता पूछता था। अगर रिश्ते में ये बताता था कि ये मेरा नसबी रिश्तेदार है, महरम है, बहन है, माँ है, बूबी है, खाला है, तो छोड़ देता है। और अगर कहे ये मेरी बीवी है तो उस आदमी से उस बीवी को पकड़ कर रहता था, उससे उससे बुरा नाम करता। अगर दीवाली और अपने साथ दोनों उनके पास पहुंचे, उसके पास पहुंचे तो तन्हाई में हजरत सारा को बुलाया कि इधर आ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनका ताल्लुक अल्लाह से बहुत करीब है, अब देखा एक तरफ जालिम और छाने बादशाह है और दूसरी तरफ मेरा खुदा गयूर है। खुदा गयूर के दरबार में आज करने लगे, ऐ इलाही इस बंदी के रिश्वत और इस रिश्वत की हिफाजत तेरे जिम्मे है, आप इसकी हिफाजत फरमाइए। उसने पूछा सारा ये कौन है? हजरत इब्राहिम ने पहले ही बता दिया था कि ये कहना की बहन है, यानी तीनी बहन है। अगर सारा ने कहा वो मेरे भाई, यानी तीनी भाई। उसका दस्तूर उसकी आदत तो ये थी कि जब बहन का रिश्ता बयान किया जाता तो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन हजरत सारा के हुस्नो जमान को देखा बावजूद बहन कहने के बाद वो आगे बढ़ा। जैसे ही हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, खुदा ने फौरन उसके हाथ को शल कर दिया। मेरे भाई, अगर इस दौर में हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत और इज्जत की हिफाजत बढ़ा जाए, अपनी बाल दामनी को बचाने पड़ा जाए, खुदा ने पाक की वसन उम्मत के लुटे थे उम्मत के जालिमों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, खुदा उसके वजन को मुअत्तल कर देंगे, हाथ बढ़ाएंगे, खुदा उसके हाथ को शल कर देंगे, आंखें खींचेंगे, खुदा उनकी नजरों को खींच लेंगे। इज्जत तो पैदा करे। चुनांचे जब देखा कि मेरा हाथ शल हो गया तो फौरन हाथ को हटा लिया और कदर पास करने लगा कि सारा तेरे रब से दुआ कर आज मैं ऐसा नहीं कर। अगर सारा ने भी दुआ की तो उसका हाथ अच्छा हो गया, लेकिन खबादत नफ्से की शरारत दीन के मुकाबले में आना, अहकाम शरा के मुकाबले में आना और हमारे हकानियत के मुकाबले में आना आदमी की आमदत को अंधा कर देता है। दोबारा हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया खुदा ने दोबारा हाथ शल कर दिया। अब जो शल किया तो फिर रोने लगा, फिर मन में समाधत करने लगा। अरे सारा ने फिर दुआ की, अल्लाह ने हाथ को अच्छा कर दिया, लेकिन दूसरी मरतबा मुतवज्जे हो गया। मेरे भाई, हमारे नस्ल की शरारत का हाल ये है, बार बार रोना की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, ताजियाने भेजते हैं, कहीं कोरोना की शक्ल में, कहीं वबा की शक्ल में, कहीं बीमारी की शक्ल में, कहीं माल दौलत की हलाकत की शक्ल में, हम इसका कोई नोटिस नहीं लेते। चलते हालात है, ऊँह के गिड़ाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, हालात तब्दील होते हैं, कौन बदमाशी की तरफ आते हैं। बल्कि हमारा हाथ भी इतना बड़ा है, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका आजमाइश में उतरा है और हम अपनी अय्याशी से बाहर नहीं आ रहे। याद रखना, अल्लाह की तरफ से फौरी पकड़ होती है अपने नेक बंदों की, और फौरी पकड़ नहीं होगी तो गुनहगार बंदों को मोहलत दी जाती है। मोहलत के बाद भी इसकी इसलाह नहीं होगी, अल्लाह जी उसको पकड़ते हैं। इस पकड़ने के बाद उसके लिए बचाव का नजात का कोई रास्ता नहीं है, न उसका किरदार न उसको काम आता है, न उस वक्त के सालीन और औलिया की दुआएं उसके काम आती है। आप मेरी पैगाम दीजिए मेरे भाई को, नफ्स को इजहार करना सीखो, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपने माल को कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के हुक्म के आगे बढ़ने से अपने आप को बचाओ, अल्लाह के अहकाम को मालूम करो और जिंदगी के हर शौके में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला शान में इस तरह कुर्बानी की सूरत को हमें अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला अपने फजल से कुर्बानी की रूह को हमारे अंदर हासिल करने की, हमारे अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नमाज का वक्त हो रहा है, कुर्बानी के सिलसिले में एक बात यह है, कुर्बानी का आदमी है, आदमी कुर्बानी करे तो जानवर को इस तरह का एक जुमला का वो है, इस तरफ को इस तरह जानवर का इस तरफ को और उसको कबीले की तरफ फेर दिया जाए, जवाब करने वाला जब पीछे रहे जानवर तो उस तरफ की तबले की तरफ हो, खूब चुड़ी को अच्छी तरह जानवर की जर मौजूदगी में तेज कर दिया जाए और जानवर को घिसेड़ कर न लाया जाए और जानवर को लाने में सख्ती न करे, ये बकरा है इसको खाना अच्छी तरह खिलाए पिलाए भूखा न रखे, इत्मीनान आसानी से जमीन पर गिराए और बिस्मिल्लाह के अल्लाह अकबर कर देखकर जानवर को दबा करे। जब तक जानवर अच्छी तरह ठंडा न हो जाए वहां से भी हाथ को न उठाए और जब एक जानवर को दबा के उसके सामने दूसरे जानवर को दबा न करे। शरीयत इस्लाम की तालीम ये है, इंसान को महत्व की बात है, वो अशरफ मंद बात है, खुदा पाक की कसम शरीयत जानवर को तकलीफ पहुंचाना जायज करार नहीं देता। उसका हुक्म ये है कि उसके सामने सुबह नदेश की जाए, उसका हुक्म ये है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को दबा न किया जाए। इन सारे मुस्तहबात पर अमल किया इंशाअल्लाह ये सूरत कुर्बानी कुर्बानी के रूह को हमारे अंदर उतारेगी। अल्लाह ताला